गुरुग्राम से करनाल जा रही HR 26B 2998 क्रूज कार के अंदर अचानक टोल प्लाजा पर आग लग गई। आग के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। आग लगने से कार जलकर राख हो गई है। गनीमत यह रही कि आग के कारण से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। कार में बैठे सभी यात्रियों को LNT टोल प्लाजा के अधिकारियों की सहायता से बचा लिया गया। दरअसल फास्ट ट्रैक के कारण LNT के सभी अधिकारी टोल नाके से पहले ही दिल्ली की ओर बैरियर एवं सेफ्टी कॉन लगाकर आने जाने वालों को फास्ट ट्रैक वाली लाइन में जाने के लिए दिशा निर्देश दे रहे थे। इसी बीच अचानक गुरुग्राम से करनाल जा रही एक कार में आग लग गई। सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ शीघ्रता से कार में लगी आग को बुझाने की कोशिश की गई। साथ ही टोल प्लाजा पर आग से बचने के लिए सभी यंत्रों का प्रयोग किया गया। बिना किसी देरी के कार में बैठे सभी यात्रियों को धीरे धीरे करके निकाल लिया गया और साथ ही आग पर शीघ्रता से काबू पा लिया गया, जिसके कारण कुछ ही मिनटों में आग बुझ गई और कोई बड़ा हादसा होते होते बच गया। कल तकरीबन 10 बजे के आसपास एक गाड़ी टोल प्लाजा की तरफ अप्रोच कर रही थी और नियर टू टोल प्लाजा सम स्मोक इज डिटेक्टेड फ्रॉम देयर इंजन एंड दे स्टॉप द व्हीकल। और हमारे जो टोल स्टाफ थे यहाँ पे और जो हम फास्टैग के लिए यहाँ पे सभी गाड़ियों को डाइवर्ट कर रहे हैं, और तो उन्होंने देखा कि ऑल ऑफ सडन किसी गाड़ी में ऐसा स्मोक आने लग गया। जल्दी जल्दी से सभी ने रश किया और उनको जो चार यूज़र थे उसमें ड्राइवर समेत सभी चार यात्री थे उनको बाहर निकाला। और हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर जो हम पोर्टेबल रखते हैं जो ABC फायर में यूज़ हो जाते हैं, पहले तो हमारी जो इमरजेंसी व्हीकल्स है उसमें से यूज़ किया और तब भी उससे कंट्रोल नहीं हुई आग। तो हमने ऐसे करके अराउंड 12 फायर एक्सटिंग्विशर्स वी है यूज टू फाइट द फायर। और मीनवाइल हमने जो हमारे पास वाटर टैंकर रहता है उसको हमने बुला लिया था, तो उसके बाद हमने पानी कंट्रोल से पूरी आग पर 15 से 20 मिनट में काबू पा लिया। कल दिनांक 16-12 को मैं टोल पर एक एक्सीडेंट की सूचना में वहां पर पहले से ही हाजिर था सर। तो वहीं मैंने देखा सर, DT रोड के ऊपर एक दिल्ली साइड से गुड़गावा नंबर की गाड़ी आई और उसके ड्राइवर और उसके जो अन्य आदमी बैठे थे उन्होंने गाड़ी के बाहर निकल के बोनट खोल के देखा, चेक करा, तो सर एक इंजन में से मोमबत्ती की लो की तरह आग जली हुई नज़र आ रही थी। मैं भी साइड से देख रहा था भाई गाड़ी रुकी है और बोनट खोला, भाई क्या बात हो रही है। तो आस्ता आस्ता जो आग थी सर वो थोड़ी ज़्यादा जलती रही। वहीं मेरे पास टोल की क्रेन खड़ी थी, क्रेन वालों ने सर अपनी वहाँ से सिलेंडर निकाल के गाड़ी से उसको बुझाने की कोशिश करी परंतु बुझे नहीं। ऐसे टोल वाले कैबिन टोल के कैबिनों में रखे सिलेंडर कम से कम 8, 9, 10, 12 की स्ट्रेंथ तक सिलेंडर ले आए परंतु आग नहीं बुझी। आग जलती रही, प्लास्टिक थी उसमें आग लगी तो सिलेंडरों से आग नहीं बुझी। तो वहीं टोल के पास से उनका टोल वालों का अपना पानी का टैंकर खड़ा था, वो मौके पर आ गया और हमने 100 नंबर को फायर ब्रिगेडियर को कॉल कर दी थी, फायर ब्रिगेडियर भी आ गई। तो टैंकर ने और फायर ब्रिगेडियर ने पानी की मदद से उस आग को काबू पाया। तो इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई जान माल की कोई वो नहीं हुआ, ओनली कार के ही नुकसान हुआ है, वो भी उसके इंजन में आग लगने से। सर कार में कितने यात्री थे? कार में सर 3 आदमी थे, हाँ जी, ड्राइवर समेत सर। हाँ, बाकी कोई नुकसान नहीं था सर, थोड़ा भीड़ वो हो गई थी, थोड़ा जाम लग गया था, वो फिर पुलिस ने वहाँ पर आकर कंट्रोल काबू पा लिया था और एक लाइन चलवा दी थी, तो परेशानी वहाँ इतनी कोई नहीं।